वायरल वीडियो का यह मामला मुरादाबाद के वार्ड एक की भाजपा महिला पार्षद प्रियंका सिंह के घर से जुड़ा है। पार्षद की सास का आरोप है कि अचानक कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर उनके घर में घुस गए और लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले लड़के के छिपे होने की बात बोलते हुए मारपीट करने लगे। मना करने पर जो भी आया उसे लाठी डंडों से पीटने लगे, जिससे करीब 7 लोग घायल हो गए। लेकिन लाठी डंडे लिए ये लोग कौन थे उन्हें नहीं पता। सासू माँ हूँ मैं जी। प्रियंका देवी वार्ड प्रियंका देवी उनकी सासू माँ हूँ मैं जी। अब हुआ ये कि हम अपने कमरे में लेटे हुए थे, बस जो काम करती हैं वो रसोई में चाय बना रही थी। अब एकदम से शोर शराबा हुआ तो मैं बाहर निकल के आई तो देखा तो अनगिनती लड़के जो एकदम से डंडा ले लेके और एकदम से यहाँ घुस गए। मैंने कहा बेटा क्या बात होगी क्या बात होगी, बोले वो लड़के तुम्हारे यहाँ के लड़के ने हमारी लड़की को छेड़ा है, हम जो उसको मारने आए हैं। मैंने कहा बेटा आप ये तो देखो ये घर किसका है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो उन्होंने जो हंगामा करना शुरू कर दिया, जो चाय बना रही थी वो बाहर निकल के आई, उनसे बोलने पड़ गए लड़के। मैंने ऐसे तैसे उनको बाहर ढकेल करा, मैंने बेटा घर तो देखो ये किसी घर में घुस गया, तुम लोग मैं तुम्हारी पुलिस को फोन कर रही हूँ, तुम्हें जो बंद करा दूंगी। वो जो बाहर निकल के खड़े हुए जो गाँव के लड़के थे वो जो भी हाथ में आया उन्होंने उसी को पीटा है, बहुत बुरी तरह पीटा है। कितने लोग घायल है? लगभग कम से कम 6-7 जने तो हैं। 2-3 खुल गई है, कई के गुम लगी है, 2-3 लड़की औरतों के भी लगी है। वो कौन लोग थे और कहाँ के थे? पता नहीं, टिगरी के बताते हैं, पेरा के मुड़ियों के बताते हैं। टिगरी के थे? टिगरी के। तो अब कहाँ है सब लोग? अब मुझे तो पता नहीं, यहाँ से हंगामा हुआ, पुलिस आ गई, सब भाग भाग गए। अब किधर है कहाँ है ये मुझे नहीं पता। किस टाइम की घटना है? ये 4:15 बजे, 4:20 के करीब। 4:20 आप बताओ कितने बजे की घटना होगी लगभग? भैया 4:20 4:30 लगा लो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो घर पे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता। जी एक वीडियो वायरल हुई है यहाँ पर मारपीट की, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था कल? कल का क्या ना, हमारा कटरा चुगरिया हमारे लड़की घास काट रही, अब वो लड़की दो घास काट रही और कटरा पहुँच गया हमारा वहाँ, और लड़का भी गया हमारे पीछे पीछे वहाँ पे, और लड़के भी चिपट गई लड़कियाँ और लोहरिया भी चिपट गई हमारे, और हम गए बचाने के तो हम पे लिपट पड़े सारे जाने वहाँ, कम से कम 5-6 और कहीं। मैं तो बीच बीच आप कर रही अपनी लोहरियों का और इनका, तो आपस में खींचा खाची कर रही, मैंने चलो कोई बात ना, मैं हाथ पाँव जोड़ लूँगा इनका, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ चलो बाल कोई गलती हो गई, चलो तुम्हारे भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं। अरे तो उन्होंने तो 4-5 एकदम मोटरसाइकिल बुला ली सब, कहा तो मैं डंडे हुआ डंडे ले लेकर आ गए, और कहा मैं आकर मैं हाथ जोड़े उनके लड़कों के भी, मन की कोई बात ना चलो, मन की हाई नहीं बढ़ जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ ली उन लड़कों से कह रही मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने कोई बात ना। मैं सड़क तक आ गई, मैं कह रही मैं किधर को भागूँ कहाँ को जाऊँ, पूरी सड़क तमाशा देख रही सब, कोई मेरे कोई हायरा बीच साहब करने के टाइम, अजय हमारे गांव के प्रधान ही है, मैं बोली इनके धोर फूफा के धोरे को जाऊँ, मन की मैं ये बीच बीच साफ कर देंगे लड़कों को समझा देंगे तो मन जे चले जाएंगे, और सारे लड़के कम से कम 200 लड़के मेरे पीछे, मैं अकेली मेरे पीछे 200 लड़के, मैं इनके घर में जाकर एकदम गई तो वो मिली थी जे प्रधान नहीं मिली, जे नहीं मिले मुझे घर बिल्कुल भी, इतने में सब कहना है को मान जाओ फिर भी डंडा बाजी खोजिए खूब मार कूटी हो, पता किस तरीके से का किंगे वो डंडा पड़ गया किंगे वो नहीं पड़ गया। लड़के बाद में क्या हुआ? बाद में तो मारपीट खूब हुई तो थाने उन्हें चले गए, एक लड़के का हमारे यहाँ कम से कम 8-9 टांगे आए हैं खोपड़ी में, पुलिस आ गई यहाँ पे, उन्हें तो फिर थाने गए। पुलिस का रवैया अभी ठीक नहीं था। बाद में क्या कार्रवाई की? वहाँ देखो वहाँ कई सुनी हमारी तो इतनी सुन भी ना रहे, हम तो जावे तो हम पे तो वो हो जावे, फिर बाद में आपस में बातचीत हुई तो वहाँ फैसला हो गया इनमें। सर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ लोग आपस में मारपिटाई करते दिख रहे हैं और ये आपके घर की तरफ आ रहे हैं, क्या पूरा मामला था? सर मैं तो थाने रह गई, मैंने जैसे मेरी पत्नी ने सूचना दी थी मैंने जो है फोन करा था पुलिस को, पूरा 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई थी और 3 लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार किया था मौके से, बाकी भाग गए थे। क्या मामला था, किस बात को लेकर इनमें लड़कों में? मामला तो मैंने थाने से आन करके पता निकाला था, जब मैं थाने मुझे वहाँ तक भी कोई नहीं पहुँचा, जिसके चोट लगी थी वो पहुँचे थे, जिन्होंने मारा था वो पहुँचे थे, बीच बीच में किसी ने ये नहीं बताया कि मामला यह था। मैं जानकारी कर रहा था कि किस मामले में झगड़ा हुआ क्यों हुआ बात क्या थी, तब मुझे घर आकर ये पता चला, मैंने उन लोगों को इकट्ठा करा जहाँ से बंजार खराब हुई थी झगड़े की, घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद में मैंने पूछा भी बात क्या थी, तो उसने बताया टिगरी वाली महिला ने जो बकरी चुका रही थी कि साहब मेरी लड़की से कोई बदतमीजी करी है इसे, समझे, तो मैंने इसे डांटा तो इसकी बहन हमसे जो चिपट गई थी। उसी बीच बीच में कुछ गाँव के लड़के हमारे आगे थे, कुछ आपके लड़के आगे थे, ये घर की तरफ को भागे तो हमने उनका पीछा करा, वो बता रही थी टिगरी की। उसके बाद में फिर हंगामा हो गया बीच गाँव में, चौराहे पर जाकर जो है हाथापाई हो गई, कुछ लोग आए बीच बीच आप पड़ गए, पुलिस आ गई।
फैसला हो गया, फिर बाद में थाने पहुंच गए थे। फिर सब वो लोग पहुंचे द्रौपदी पे, पार्ट तीन की वो उधर गांव से लिंक करती है डिग्री से, इधर से मैं था। तो मैंने उन लोगों को बैठाया, मैंने बताओ क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा जैसे आप चाहो वैसे हमें मंजूर है। तो मैंने फिर वो जो तहरीर लिख आई थी वो वापस ली और उसका फैसला करा दिया। ठीक, नाम है आपको? मेरा नाम मोनू है। मोनू, क्या हुआ कल यहाँ पर? कल यहाँ ऐसा हुआ कि कुछ लड़के, मतलब एक लड़का है हमारे गांव का, उसे मारने के लिए आए थे। क्यों मारने आए थे? मारने इसलिए आए थे कि वो कह रहे थे कि हमारी, उसने लड़की को छेड़खानी की है। तो छेड़खानी अगर उसने की भी थी तो ये चौकी और थाने बने हुए हैं, उसके अंदर जाके इन्फॉर्म करते कि भाई हमारे लड़के ने छेड़खानी की भी है, तो वहाँ जाके जांच करती पुलिस, करी है नहीं करी है। मगर ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि वहाँ पे लड़के 100-150 की संख्या में मारने के लिए आते हैं और लड़कियों को भी और पूरे परिवार को मारते हैं, फिर पूरा गांव तमाशा देखता है बनके। उसके बाद पुलिस में शिकायत करी आपने इसकी? हाँ, मैं पुलिस के पास गया, पुलिस के पास मैंने जो चौकी इंचार्ज है उससे मैंने यही बात कही थी कि आपकी चौकी थाने किस लिए बने हुए हैं, कि वहाँ पे अगर चौकी थाने नहीं बने हुए हैं तो जाइए लड़के मारने के लिए आए, इन लड़कों को छोड़ दीजिए आप, चौकी थाने बंद कर दीजिए। पुलिस ने बाद में क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कहा कि यहाँ से चले जाइए थाने। मैं बोला थाने क्यों जाएं, हमें यहाँ रिपोर्ट लिखानी है और यहाँ 307 का मुकदमा कराना है क्योंकि जानलेवा हत्या का मामला होना है। तो उन्होंने उसमें फटकार दिया और सीधा मामला किया था। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर आए और घर में घुसे, लोगों के साथ मारपीट करने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग आखिर है कौन और मारपीट क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने वहां से भागकर जान बचाई और मामला बढ़ता देख लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस चौकी में जाकर पता चला कि लड़की के साथ छेड़खानी से नाराज लोग छेड़खानी करने वाले लड़के की तलाश कर रहे थे। ये घटना कल शाम की है और रात में ही पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। बहरहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद से नूर हसन की रिपोर्ट।